आपत्ति बढ़ने के मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू की रफ्तार रॉकेट से भी तेज है। उनके ओडिशा और झारखंड स्थित घर से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। बेहिसाब कैश को गिनने के लिए मशीनें कम पड़ गईं और खराब भी हो गई। इनकम टैक्स विभाग 3 दिन से उनके घर से बरामद कैश की गिनती कर रहा है, जिसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पैसों का इस कदर भंडार देखकर अब विभाग भी चौंकने लगा है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा चुने गए थे, तब उन्होंने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में बताया था कि उनके पास मात्र 34 करोड़ की संपत्ति है। अब इस कदर संपत्ति में बेतहाशा हुई है, अलमारियों में नोटों की गड्डियां ठुसी ठुसी मिली हैं। इस पैसे का कोई हिसाब उनके पास नहीं है। कांग्रेस ने भी इस पर स्पष्टीकरण मांग लिया है। सन 2018 में धीरज प्रसाद साहू ने चुनाव आयोग को बताया था कि उनके पास 34 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है और 20 करोड़ की चल संपत्ति। अपने ब्यौरे में इतना कम संपत्ति बताने के बाद अपनी एफिडेविट में उन्होंने बताया था कि रेंज रोवर, BMW, फॉर्चुनर और पजेरो जैसी लग्जरी और महंगी गाड़ियां भी हैं। एफिडेविट के मुताबिक धीरज साहू ने 2.5 करोड़ अपनी फैमिली की कंपनी बलदेव शिव प्रसाद साहू में, बलदेव साहू एंड सन्स में 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। इतना ही नहीं, धीरज प्रसाद साहू ने अपने हलफनामे में खुद को लोन लिया हुआ यानी कर्जदार भी बताया था।